हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं मसांजी सुपर लीग के मुकाबले की, जो खेला जाएगा श्वान स्पार्टन्स वर्सेस डर्बन हीट के बीच में 21 नवंबर को रात के 9 बजे से। और इस मैच का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है सोनी ESPN के ऊपर। सबसे पहले अगर आगे पिच रिपोर्ट के बारे में बात करता हूँ, ये ट्रैक बैटिंग के लिए काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। सुपर स्पोर्ट पार्क के ऊपर काफी अच्छा बाउंस मिलता है आपको पिच से, तो बॉल काफी अच्छे से बैट के ऊपर आता है और बाउंड्री भी थोड़ी छोटी है स्क्वायर की अगर मैं बात करता हूँ तो। टॉस जीत के आप पहले बॉलिंग करने का फैसला करना चाहोगे, क्योंकि एक तो डे नाइट मैच है तो लाइट से ना बैटिंग करना काफी आसान हो जाता है। दूसरी बात, थोड़ी सी बारिश की भी चांसेस है मैच के अंदर, तो आप चेस करना पसंद करते हो ऐसे टाइम पे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ श्वान स्पार्टन्स की टीम के बारे में। तो श्वान स्पार्टन्स सब काफी उम्मीद लगा के बैठे हैं, ये टीम पेपर काफी ज्यादा अच्छी टीम है। स्टार्टिंग के दो मैच टीम के रद्द हो गए, पर उसके बाद टीम ने काफी अच्छी वापसी करी पिछले मैच के अंदर और एक डोमिनेटिंग जीत हासिल करी। उस मैच में उनकी बैटिंग ने बताया कि क्यों उनके पास वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग है इस सीजन की। मेन बात करते हो डीन एल्गर ने बहुत ही जबरदस्त पारी खेली। डीन एल्गर ने बताया कि वो आपके सिर्फ टेस्ट के ही नहीं, वो T20 के अंदर भी काफी अच्छा खेल सकता है। काफी अच्छी स्ट्राइक रेट से खेले डीन एल्गर और उन्होंने 88 रन की बहुत ही जबरदस्त पारी खेली, वो मैन ऑफ द मैच बने। तो वापस से डीन एल्गर से काफी उम्मीदें होने वाली है। थिनूस डी ब्रॉइन ने भी काफी बैटिंग करी, वो भी काफी जो ओपनिंग पार्टनर बन गया है डीन एल्गर के, वो भी उनको मेन टेस्ट मैच का माना जाता है, पर उन्होंने भी काफी अच्छी बैटिंग करी, बताया क्लास इज परमानेंट। तो वापस से थियोनिस डी ब्रूनो डीन एल्गर के ऊपर ओपनिंग की जिम्मेदारी रहने वाली है। एबी डिविलियर्स पिछले मैच में फ्लॉप है, वो कुछ खास नहीं कर पाया, पर फिर भी हम सब जानते हैं एबी डिविलियर्स किस क्लास के प्लेयर हैं। जिस दिन भी वो फॉर्म में आएंगे वो अकेले दम पे मैच पलट देंगे। तो वापस से लोगों को ये उम्मीद होगी कि एबी डिविलियर्स अच्छी पारी खेलेंगे अगले मैच के अंदर। वापस से एबी डिविलियर्स से बहुत उम्मीद होने वाली है। और कप्तान हेनरी क्लासन ने भी काफी अच्छी पारी खेली। कप्तान हेनरी क्लासन ने बताया कि वो क्यों इतना अच्छे विकेट कीपर हैं और वो क्यों टीम के कप्तान, उन्हें बहुत अच्छी बैटिंग करने दिखाई। तो ये जो चार प्लेयर हैं ये चारों साउथ अफ्रीका से ही आते हैं और चारों ने बहुत ही बैटिंग अच्छी बैटिंग करने बताया कि साउथ अफ्रीका का कितना प्यारा कोर है इस टीम के पास में। अगर मैं बॉलिंग के बारे में बात करूं तो वहां थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला। हालांकि मॉर्नी मोकल ने काफी अच्छी बॉलिंग करी, मॉर्नी मोकल की बॉलिंग काफी जबरदस्त थी, ऑन द स्पॉट बॉलिंग करी मॉर्नी मोकल ने। तो वापस से मॉर्नी मोकल से उम्मीद होने वाली है। टॉम करन से टीम काफी उम्मीद करेगी इस मैच के अंदर। टॉम करन भी काफी स्पेशल बॉलर है लिमिटेड ओवर्स के। तो वापस से टॉम करन के ऊपर भी निगाह होने वाली टीमों की, देखते हैं टॉम करन कैसा खेलते हैं। उसके अलावा आप लुंगी एनगीडी से उम्मीद कर सकते हो। तो इस टीम में बैटिंग काफी बढ़िया है, अच्छा खेली है, बॉलिंग में भी काफी बड़े बड़े नाम अगर वो फॉर्म में आ जाएंगे तो श्वान स्पार्टन्स की काफी अच्छी बात होने वाली है। अगर मैं लाइनअप के बारे में बात करूं तो ओपनिंग करेंगे डीन एल्गर, थिनूस डी ब्रून, नंबर 3 के ऊपर हेनरी क्लासन, नंबर 4 के ऊपर एबी डिविलियर्स, उसके बाद आपके आते हैं डोनोवन फेरियरा, पेट्रोस वेल्स, बिल जॉइन, टॉम करन, रॉल्फ वेंडमोवा, मॉनी मोकल, लूथो सिम्बामला और लुंगी एनगीडी। तो ये टीम मुझे श्वान स्पार्टन्स की और ये टीम मैच जीतने की पूरी पूरी कोशिश करना चाहेगा। अब मैं बात करता हूँ डर्बन हीट की टीम के बारे में। तो डर्बन हीट के स्टार्टिंग के दो मैच बारिश की वजह से रद्द हो गए थे, अब एक मैच भी नहीं हो पाया था, पर अगले मैच के अंदर एक जबरदस्त हार मिली डर्बन हीट को, तो वो जरूर से इस मैच में जीतने की पूरी पूरी कोशिश करना चाहेगा। डर्बन हीट के पास भी प्लेयरों की कोई कमी नहीं है, काफी बड़े बड़े प्लेयर हैं, पर पिछले मैच में बैट्समैन कुछ खास नहीं कर पाए। विहान लूबे ने काफी अच्छी पारी खेली, विहान लूबे काफी अच्छे ओपनर बैट्समैन, काफी अच्छा खेले वो, तो विहान लूबे से टीम वापस उम्मीद करने वाली है। एलेक्स हेल्स पिछले मैच में 0 रन पर आउट हो गए थे, तो एलेक्स हेल्स को फॉर्म में आने की जरूरत है। एलेक्स हेल्स CPL में भी कुछ खास नहीं कर पाए थे, तो यहां पे उनसे उम्मीद होगी एलेक्स अच्छी पारी खेलेंगे और वो टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर भी करके देंगे। कप्तान डेन विलास भी नंबर 3 के ऊपर आते, नंबर 3 के ऊपर आके कप्तान डेन विलास को भी अच्छा खेलने की जरूरत है। डेन विलास भी काफी अच्छे प्लेयर, साउथ अफ्रीका का भी एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो अगर वो भी अच्छा खेलेंगे तो टीम से काफी उम्मीद कर सकता है। उसके अलावा डेविड मिलर भी टीम के अंदर है, डेविड मिलर भी बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है और अगर डेविड मिलर फॉर्म में आएंगे तो अपने दम के ऊपर मैच पलट सकते हो। वापस से इन चार बैट्समैन के ऊपर टीम की मेन बैटिंग रिलाय करती है, इन चारों को चलना पड़ेगा, विहान लूबे का सबको साथ देना पड़ेगा। बॉलिंग भी कुछ खास नहीं थी, एंडल फिलिको ने 2 विकेट जरूर निकाले पर उनकी इकोनॉमी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। एंडल फिलिको अच्छा खेलने की जरूरत है, काफी बढ़िया ऑलराउंडर है वो और उनको अपनी वर्थ प्रूव करनी पड़ेगी। काइल एबर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर है इस टीम के, अगर वो अच्छा नहीं खेलेगा टीम को और दिक्कत आ सकती है। मेरे हिसाब से काइल एबर्ट को भी अच्छा खेलने की जरूरत है इस मैच के अंदर। वापस से काइल एबर्ट से भी बहुत उम्मीद होने वाली है। रवि बुपारा भी टीम के अंदर जो कि मेन की टीम के मेन ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे, तो वापस से रवि बुपारा के ऊपर भी निगाह रहने वाली। तो डर्बन हीट की
टीम में काफी अच्छी टीम है, अगर टीम अच्छा खेलती हो टीम में अच्छी दिखाई हो सकती है, टीम को बस अच्छे से खेलने की जरूरत है इस मैच के अंदर। मैं लाइनअप के बारे में बात करता हूँ तो ये हो सकती है, ओपनिंग करेंगे सेरल एरवी और एलेक्स हेल्स, फिर आते विहान लुबे, डेन विलास, डेविड मिलर, रवि बोपारा, एंडाइल फिलिक्वायो, केशव महाराज, सुब्रेन, काइल अबोट और मल्यूसो सिबिटो, तो ये टीम हो सकती है या फिर डर्बन हीट की, और डर्बन हीट ये मैच जीतने की पूरी पूरी कोशिश होना चाहेगी। आप मुझे पोल में बताने मैच कौन जीतेगा, श्वान स्पार्टन्स की टीम में मैच जीतेगा या डर्बन हीट की टीम में मैच जीतेगा, मुझे पोल में जरूर से बताना, और इस मैच की ड्रीम इलेवन टीम आने वाली है स्क्रीन के ऊपर। मेरे बजट के बारे में बात करता हूं, मेरे हिसाब से ये मैच श्वान स्पार्टन्स की टीम जीतेगी। श्वान स्पार्टन्स के पास एक काफी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है, काफी बढ़िया बैटिंग है, बढ़िया बॉलिंग है, उनके पास काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, डर्बन हीट की टीम भी अच्छी है, पर मेरे हिसाब से एडवांटेज होगा श्वान स्पार्टन्स को। तो मुझे उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो का पसंद जरूर आई होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लाइक जरूर से करना, सब्सक्राइब करना चैनल को इस तरह वीडियो देखने के लिए। हमारी वीडियो का बहुत बहुत थैंक यू, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।